बेहतरीन तरीके से लड़ा है। वहीं कुछ राज्य वैसी मुस्तैदी नहीं दिखा पाए, कारण चाहे संसाधनों की हो या अन्य कारण हो। आज हमारा आशय है मध्य प्रदेश। हमने आमंत्रित किया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी को। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो पत्रकारों को संबोधित करें। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद, आप रविवार के दिन आज उपस्थित हुए और ऐसे दिन जब देश की हालत चिंताजनक है, आज पूरी दुनिया में गंभीर महामारी की चपेट में है, दुनिया के सभी देश सामूहिक तौर पर अपने आप इस पर लगे हैं कि इसका समाधान तलाशा जाए। हजारों लोग को रोज इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस महामारी की लड़ाई में केंद्र सरकार के साथ है और मैं इसे दोहराना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी इसमें कर सकती है केंद्र सरकार की मदद के लिए हम करने को तैयार हैं। हमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शायद मध्य प्रदेश एक ही प्रदेश है पूरे विश्व में जहां ना तो स्वास्थ्य मंत्री है ना तो गृह मंत्री है। 16 मार्च को जब मैंने इस्तीफा दिया, राहुल जी ने तो 12 फरवरी को ध्यान आकर्षित किया था, अपनी चिंता व्यक्त करी थी कि किस प्रकार से अपने देश में ये हालात उत्पन्न होने वाले हैं, गंभीर स्थिति किस प्रकार की है, और उसके 40 दिन बाद लॉकडाउन शुरू हुआ। पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में बड़े संक्षेप में मैं कहना चाहता हूं कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में और सरकार बनाने में केंद्र सरकार ने देरी करी। 8 फरवरी को 19 विधायक 3 चार्टर जेट में ले गए, कर्नाटक ले गए, एक रिजॉर्ट में रखे गए। 8 मार्च था वो, और 8 मार्च से लेके वे अभी तक वापस नहीं आए, अभी तक मंत्रिमंडल नहीं बना, ये हालात है। 8 मार्च के बाद जब मैं मुख्यमंत्री था, मैंने शुरुआत करी थी हमने कॉलेज मॉल और इस प्रकार की चीजों को बंद कर दिया था। ये हमने बंद किया था मेरे ख्याल में 12 मार्च को हमने बंद कर दिए थे, हमने कदम शुरू कर दिए थे। लॉकडाउन नहीं था पर हमने एक प्रकार का लॉकडाउन अपने यहां शुरू किया था जब इस प्रकार की गंभीर समस्या का संकेत मिलने शुरू हुआ। उसके बाद 16 मार्च को मैंने इस्तीफा दिया। 16 मार्च के बाद कोई एक्शन केंद्र सरकार ने नहीं लिया क्योंकि वे इंतजार कर रहे थे मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने की। और 23 मार्च को नए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने शपथ ली। इसका मतलब कि इंतजार किस बात की थी? इंतजार थी राज्यपाल के पास जा रहे थे, कोई विधायक यहां भोपाल में नहीं उपस्थित थे, राज्यपाल फ्लोर टेस्ट की बात कर रहा था। 16 मार्च को जब हमारी विधानसभा शुरू हुई, हमारे स्पीकर ने यह घोषणा करी कि कोरोना के कारण वे 26 तक पहले फेज में 26 तक स्थगित करेंगे। इसका मजाक उड़ाया गया, कौन सा कोरोना, कैसा कोरोना। जब ये विधानसभा स्थगित हुई, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्होंने फ्लोर टेस्ट की बात करी, तो मैंने अपना इस्तीफा दे दिया क्योंकि हमारे 22 विधायक बंद थे, कर्नाटक के रिजॉर्ट में बंद थे। ये तो हालात थे अपने प्रदेश में। और 23 मार्च को जब शिवराज सिंह जी ने अपना इस्तीफा दिया, 24 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ। ये पूरे देश को ये बात समझनी है, पहचाननी है कि किस प्रकार के इंतजार कर रहे थे केवल सरकार गिराने की और सरकार बचाने की। आज ये गंभीर स्थिति है और हमें सबसे बड़ी चीज तो देखनी है कि हम आज केवल शहरी क्षेत्रों में ये टेस्टिंग हो रही है, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी टेस्टिंग हो रही है, हमारे टेस्टिंग के क्या
इक्विपमेंट है हमारी, क्या जो रैपिड टेस्टिंग के हुए क्या आ रहे हैं, कितनी कमी है। मध्य प्रदेश में तो 10 लाख में से केवल 10 लाख में से कुछ गिने चुनो लोगों का की टेस्टिंग होती है, मेरे ख्याल में 25 या 30 लोगों की टेस्टिंग होती है 10 लाख लोगों में से। तो दित्ता टेस्ट उत्ता करो ना, तो दित्ता टेस्ट कम करो उत्ता कम करो ना, दित्ता टेस्ट ज्यादा करो उत्ता ज्यादा करो ना। आज जो एक चिंता की बात है कि हम जो आंकड़े निकाल रहे हैं ये केवल लगभग शहरी क्षेत्रों के हैं, ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र के नहीं है। मध्य प्रदेश में गांव में जो लोग बाहर काम कर रहे थे, मध्य प्रदेश घिरा हुआ है 5 राज्यों से, उन राज्यों से 25-30-35% लोग वापस आ गए, लॉकडाउन के पहले वापस आ गए, अपने गांव में हैं। क्या इन्फेक्शन लाए, गांव में क्या टेस्टिंग हो रही है, हमारे कस्बों में क्या टेस्टिंग हो रही है, आज इसका तो कोई कह नहीं सकता, कोई आंकड़े नहीं है। और आंकड़े तो छोड़िए, हमारे टेस्टिंग किट नहीं है, टेस्टिंग किट नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग किट तो इंतजार कर रहे थे इसका ऑर्डर, तो जब राहुल जी ने कहा था 12 फरवरी को, जब पूरे विश्व में इसकी चिंता हो गई थी टेस्टिंग किट, उस समय केंद्र सरकार को ऑर्डर कर देने चाहिए थे, पर टेस्टिंग किट नहीं ऑर्डर करे। कब ऑर्डर करे, जब स्थिति गंभीर बन गई, और आज इसकी कितनी कमी है टेस्टिंग किट्स की, और यही कारण है कि आज ये हमारा कोरोना इतना फैल रहा है। तो मैं आपसे अगर कोई प्रश्न हो, मैं प्रश्न का जवाब देने को तैयार हूं, और खास करके मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप ये तारीखें गिन लें कि किस तारीख को क्या हुआ, कैसे ये विधायक गए कर्नाटक, कैसे कोई एक्शन नहीं लिया गया, और एक्शन तभी लिया गया जब इनकी सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 23 रात के 9 बजे शपथ ली। कोई स्वास्थ्य मंत्री नहीं, और आज तक कोई स्वास्थ्य मंत्री नहीं, कोई गृह मंत्री नहीं, कोई मंत्रिमंडल नहीं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव निकला है, लगभग 45 स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कोरोना पॉजिटिव में आए हैं, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोरोना पॉजिटिव में, और यहां तो बिजनेस एज यूजुअल चलता रहा। इसीलिए तो ये हेल्थ ऑफिशियल जो थे, जो आपस में मीटिंग कर रहे थे, जो आपस में इनकी मीटिंग मुख्यमंत्री से हो रही थी, अधिकारियों के बीच में हो रही थी, क्या किसी प्रदेश में 45 स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, जिनका मैं मानता हूं प्रथम कर्तव्य है इसका इसका मुकाबला करने में, ये आज कोरोना पॉजिटिव है। धन्यवाद सर। पहला सवाल जो है वो टेलीग्राफ अखबार से है, संजय जी पूछते हैं, डू यू सस्पेक्ट पार्लियामेंट वाज रन टिल मार्च 23 टू इंश्योर योर गवर्नमेंट इज टॉपल्ड बिफोर इम्पोजिंग नेशन वाइड लॉकडाउन, पावर गेम इन मध्य प्रदेश डिलेड कोरोना एक्शन प्लान? ऑफ कोर्स इट वाज, इट्स ऑब्वियस, देयर इज नो रॉकेट साइंस इन्वॉल्वड टू नो दिस। पार्लियामेंट वाज रन व्हेन उड़ीसा असेंबली हैड बीन एडजर्न्ड, so many assemblies had been adjourned earlier, Chhattisgarh assembly had been adjourned, all the figures worldwide were coming, all countries were expressing concern, figures were emerging in India, but parliament was kept running just to establish that parliament can function, so that the Madhya Pradesh Vidhan Sabha would be able to function, which was to start on the 16th, where the speaker in his wisdom announced after the president's address, after the governor's address, that he is adjourning the house because of corona, and there are so many video clips on this. There was mockery and fun made of this. What corona? What is corona? This was on 16th March, and it's so obvious that 23rd March 9 p.m. Mr. Shivraj Singh takes oath as Chief Minister, and 24th starts the lockdown. Does one have to establish anything more after this? दूसरा सवाल जो है सर वो टेस्टिंग किट्स को लेकर के है, आपने भी उसके बारे में जिक्र किया। सवाल ये है कि टेस्टिंग किट की कमी को लेकर, आप पूर्व वाणिज्य मंत्री भी रहे हैं, आपके अनुभव से बताएं कि कहां कमी रह गई। आज भी जो है समाचार पत्र ये लिख रहे हैं कि अगले हफ्ते 10 दिन तक शायद वो जो है रैपिड टेस्टिंग किट्स वो नहीं उपलब्ध होंगे, तो क्या लगता है कहां कोताही रही? देखिए, ये हम जानते हैं कि लगभग 90% जो टेस्टिंग किट्स हैं ये चाइना में बनते हैं, ये चीन में बनते हैं। हमने कब ऑर्डर प्लेस किया, ये प्रश्न पूछने का है, ये प्रश्न नहीं पूछने का कि कब आएंगे।
ये प्रश्न पूछने का है कि आपने ऑर्डर कब दिया, और जो मैंने मीडिया में पढ़ा है कि जो टेस्टिंग किट्स आने थे इंडिया को, जो तमिलनाडु को जाने थे, वो अमेरिका डाइवर्ट हो गए। आज सब देशों में आवश्यकता है ये टेस्टिंग किट। तो चीन जो 90% टेस्टिंग किट बना रहे हैं, वो चुन रहे हैं, और दिखता हमारा प्रभाव पड़ सकता है चीन पर, हमें प्रभाव लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि टेस्टिंग किट आए। एंड अगर आपने लेट ऑर्डर करे, आप चीन को कहें कि आप 7 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में हमें पहुंचा दो, और बाकी देश ने 1 महीने पहले कहा, वो तो उनको ही देंगे जिनके पास, जिन्होंने 1 महीने पहले ऑर्डर प्लेस किया। तो ये बहुत बड़ी गलती थी, केंद्र सरकार की बहुत बड़ी गलती थी कि ऑर्डर समय पर प्लेस नहीं किया। टेस्टिंग किट्स अभी भी नहीं आए। अभी रोज हम सुनते हैं कि 3 दिन बाद आएंगे, कोई कहते हैं 5 दिन बाद आएंगे, कोई कहते हैं मानेसर में बनेंगे। ये एक मजाक बनाया हुआ है, जनता को मूर्ख बनाने का, पब्लिक को मूर्ख बनाने का एक तरीका है। अगला प्रश्न सर हरिभूमि से है। सुशील सोनी पूछते हैं कि कल विवेक तन्खा जी ने एक पत्र राष्ट्रपति जी के नाम लिखा है, जिसमें वो मध्य प्रदेश में जल्द कैबिनेट विस्तार का निवेदन किया है। बतौर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी, आपकी सोच इस विषय में क्या है? देखिए, संविधान में बड़े क्लियरली लिखा है, देयर शैल बी अ कॉन्स्टिट्यूशन, अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये नहीं कहा देयर मे बी, लिखा देयर शैल बी। जो मैंने विवेक तन्खा जी की चिट्ठी से पत्रा, वो एक प्रसिद्ध वकील हैं, उन्होंने इसमें अध्ययन जरूर किया होगा, पर उनकी बात बिल्कुल सही है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने कोट किया है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अब ये काउंसिल मिनिस्टर तो बना नहीं। ये होता है, 2 दिन नहीं बना, 3 दिन नहीं बना, 5 दिन नहीं बना, ये तो बात आम होती है कि मुख्यमंत्री केवल शपथ लेते हैं। पर 23 मार्च से इस गंभीर हालत में, इस गंभीर परिस्थिति में कोई मंत्रिमंडल ना हो, ये तो मैं सोचता हूं मजाक, जनता का मजाक बनाने की बात है। अगला सवाल मैं ओपन करता हूं फ्लोर। वासेंद्र जी, आप अपना सवाल पूछें, अनम्यूट करें माइक, और सवाल पूछने के बाद फिर म्यूट कर लें। हाँ, मेरा एक सवाल तो ये है कि अभी जो कमलनाथ जी जवाब दे रहे थे कि, और विवेक तन्खा जी की चिट्ठी के बारे में भी, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी को अभी भी उम्मीद है कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो जो असंतोष कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ा और कांग्रेस की सरकार चली गई और इनके विधायक बीजेपी की तरफ भाग गए, वही स्थिति बीजेपी को भी झेलना पड़ सकता है मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही, और जब वहां असंतोष होगा तो फिर कांग्रेस को शायद मौका मिले दोबारा सरकार बनाने के लिए मध्य प्रदेश में, उन असंतुष्ट विधायकों को अपने साथ लाकर? हमें उनकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, पर असंतोष तो होगा, क्योंकि ये डिफरेंस जो है ये इतना कम है, और इन्होंने जिस प्रकार से ये सरकार बनाई है 22 मंत्रियों को, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 24 उपचुनाव है, इसमें से 22 उपचुनाव जो है, ये जो 22 ने इस्तीफा दिया, जिनसे इस्तीफा दिलवाया गया, ये बहुत बड़े खेल करके किस प्रकार का प्रलोभन, मैं इस पर जाना नहीं चाहता, पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि क्या प्रलोभन दिया गया, कितना प्रलोभन दिया गया, मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं। ये 22 लोगों को अंत में जनता का सामना करना पड़ेगा, जो जिंदगी भर भाजपा की आलोचना करते रहे और कांग्रेस का झंडा लिए घूमते रहे, अब ये झंडा लेके जाएंगे बीजेपी का। सबसे पहले तो स्थानीय लेवल पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, वो कहेंगे ये तो अतिक्रमण हो रहा है, एक प्रकार का हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण है, और उनका भविष्य तो चौपट। एक तो उनकी भावनाओं को बड़ी ठेस पहुंची है। पब्लिक आज मूर्ख नहीं है, पब्लिक को भी समझ है। अगर आप देखें, फेसबुक देखें, पूरा सोशल मीडिया देखें, किस प्रकार के प्रश्न उनसे पूछे जा रहे हैं। तो ये 22 में से ये कितने जीत पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। मैं तो कहता हूं ये 1-2 जीत पाए बहुत बड़ी बात होगी, उसके बाद हमें कोई भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आवश्यकता नहीं है। कईयों ने तो वैसे इस्तीफा दिया हुआ है, जिसका इस्तीफा अभी तक सामने नहीं आया। तो ये सरकार कैसे चलेगी, मैं तो शिवराज सिंह से मेरी सिंपति है कि वह सरकार कैसे चलाएंगे। ऐसी सरकार जहां 10-12 मंत्री होंगे जो उनकी आलोचना करते रहे, जो बाकी मंत्री बैठे हैं उनकी आलोचना करते रहे, उनके विरोधी रहे, आज वो उनके साथ कैबिनेट में बैठेंगे और
गवर्नमेंट चलाएंगे, ये कैसे चलेगी गवर्नमेंट? कमला जी एक और सवाल है, अगर विनीत जी और प्रणब मुझे इजाजत दें तो मैं पूछना चाहता हूँ। जल्दी से पूछ लें। हाँ बिल्कुल, छोटा सा सवाल है। एज कॉमर्स मिनिस्टर कमलनाथ जी का जो एक्सपीरियंस रहा है उसी के बारे में पूछना चाहते हैं कि लगातार एक ही चर्चा है मीडिया से लेके हर जगह कि केंद्र सरकार की तरफ से एक तरफ कोरोना महामारी लगातार फैलती जा रही थी और दूसरी तरफ वेंटिलेटर और मास्क भारत से बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा था, तो क्या इसको आप एज कॉमर्स मिनिस्टर जो आपका अनुभव रहा है पुराना, इसको आप जायज मानते हैं? बिल्कुल नाजायज है, ये बिल्कुल गलत था। और केवल ये वेंटिलेटर और किट भी नहीं, और भी जो मेडिकल सामान है उसकी एक्सपोर्ट फॉरन बैन करनी चाहिए थी। साथ साथ जो हमारे फूड एरिया में, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस चीजों का हम एक्सपोर्ट अलाउ कर रहे हैं, बहुतों का तो बंद किया हुआ है, उसको हमने सबसे पहले प्रिकॉशनरी मेजर भी बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि हम जानते थे अगर ऐसी स्थिति बनेगी। आज हमारे, मैं थोड़ा डाइवर्ट करना चाहता हूं, आज सबसे बड़ी हमारी जो अर्थव्यवस्था की चुनौती आएगी ये हमारे कृषि क्षेत्र में आएगी। अभी तो सब्जी चौपट हो गई, जगह जगह से, मैं हर जिलों से मैं बात कर रहा हूं, किसी का खीरा हो, किसी का टमाटर हो, किसी का गोभी हो, ये चौपट हो गई। इन्होंने जाके, किसानों ने गांव वालों का जिसको काटना है काट ले जाओ, कि ना कोई लेने वाला, ना कोई भेजने वाला, ना कोई ट्रांसपोर्ट, तो वो सब्जी और फल की फसल तो चौपट हो गई। मुझे पता है अपने क्षेत्र में जहां सबसे ज्यादा संतरा होता है, संतरा तो तोड़ा जाता है जब पक जाता है, आम और केले के जैसे जब कच्चा होता है नहीं काट सकते, ये सड़ा है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही, बड़ी मुश्किल से जो भी हो सका हमने प्रयास किया पूरे प्रदेश में, और हमारे निमाड़ मालवा का जो सब्जी है पूरे देश में जाती है, ये चौपट हो गई। हमें शुरू करनी थी खरीदी, आज हमारा मक्का होए, हमारा घी होए, हमारा सोयाबीन होए, आज नाम निशान नहीं है। 20 मार्च से ये शुरू होना था, 20 या 22 मार्च से शुरू होना था, ये हो नहीं पाया। तो किसान इसमें जो पिटेगा, जब किसान पिटेगा इसकी अर्थव्यवस्था में क्या, क्रय शक्ति जब किसान की घटती है, तो जो दुकान में किराने की दुकान है उस किराने की दुकान का व्यापार कम होता है। हमारे जो विकास खंड में, तहसील में जो बाजार है, छोटे छोटे बाजार हैं, उनका व्यापार घटता है। तो जो आज हमें इफेक्ट होने वाला है कृषि क्षेत्र में, ये पूरे देश को प्रभावित करेगी। हमें ये नहीं सोचना कि ये बड़े उद्योग से क्या होगा, हमें सोचना है कि कृषि क्षेत्र, क्योंकि मध्य प्रदेश में 70% लोगों का जीवन आधारित है कृषि क्षेत्र पर, किसान नहीं है, पर किसी के किराने की दुकान है, किसी कोई ट्रैक्टर का चलाता है, कोई ट्रैक्टर की मरम्मत करता है, कोई मजदूर है, इन सब का क्या होगा? किसान और कर्जे में पिटेगा, कर्जा कैसे अपना चुकाएगा, कि वो तो अपनी फसल बेच के अपना कर्जा चुकाता है। अगर फसल नहीं बिकेगी और ये कहेंगे हम समर्थन मूल्य में अब शुरू करेंगे, मध्य प्रदेश में तो आज 1 किलो की शुरुआत नहीं हुई, हम इंतजार कर रहे हैं ये कब शुरुआत करेंगे, कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, क्या आपके पास गनी बैग्स हैं? मेरा तो ये प्रश्न है, क्या गनी बैग्स हैं आपके पास, क्या वेयर हाउस है आपके पास, क्या साइलो है, कैसे आप ले जाएंगे? ये परिस्थिति पूरे देश भर में आएगी। और जो आज हमारे डेली वेजेस के हैं, जो रोजाना कमाई करते हैं, उनका क्या होगा? तो एक बहुत बड़ी आर्थिक गंभीरता की स्थिति अपने देश में होने वाली है। कोरोना आएगा, कोरोना जाएगा, हम सब मिलके लड़ लेंगे कोरोना से, पर जो आर्थिक परिस्थितियां बनेंगी, जो आर्थिक एक बहुत बड़ा संकट अपने देश में आने वाला है, पूरे विश्व में आएगा, पूरे विश्व का संकट भी अपने देश को प्रभावित करेगा। आज ये केवल दिया जला देने से और थालियां पीट लेने से अगर ये हो सकता है, तो हम भी दिया जलाते हैं। धन्यवाद सर। अगला सवाल मुकेश कौशिक जी का है। मुकेश जी अपना सवाल पूछे। कमलनाथ जी, मैं दैनिक भास्कर से मुकेश कौशिक हूँ।
मैं जानना चाहता हूं कि कोरोना के आधे संकट के दौरान आपकी सरकार रही और उसके बाद से अब शिवराज जी की सरकार है, आप दोनों को इस कैसे टैकल कर रहे हैं? आपकी सरकार ज्यादा अच्छे से टैकल कर रही थी या शिवराज जी में कुछ कमियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है? बी, जब ये कोरोना का संकट चल रहा था और आपकी सरकार को गिराने की पूरी कार्रवाई चल रही थी और देश भर में लॉकडाउन नहीं हो रहा था, तो क्या उस समय भी एक ज्योतिरादित्य के अगुवाई में कांग्रेस के भीतर बगावत मची हुई थी? क्या आपने उनको कभी समझाने की कोशिश की कि छोटे भाई ऐसा नहीं करते हैं, पार्टी को नहीं तोड़ते हैं, अगर सीएम बनने का ही सवाल है तो आप बन जाना? क्या आपने उनसे कुछ रीच आउट किया था? देखिए, 12 मार्च को WHO ने घोषणा करी थी कि ये पेंडेमिक की घोषणा 12 मार्च को करी, और मैं मुख्यमंत्री था, मैंने 14 मार्च को ही अपने प्रदेश के नागरिकों को इस बारे में अलर्ट कर दिया था। स्कूल, कॉलेज, ये शॉपिंग मॉल सब बंद करने की हमने घोषणा कर दी थी। जैसे ही WHO ने ये घोषणा करी, ये पेंडेमिक की घोषणा करी, हमने तो 2 दिन में कर दिया। उसके बाद 16 तारीख को तो मैंने इस्तीफा दे दिया। अब जो मैं सुझाव दे सकता हूँ, शिवराज जी ने मेरे से 2 दफे बात करी है और हम बात करते रहेंगे, ये भी हमने तय किया। जो हमारे सुझाव है, मैं तो उनका ध्यान आकर्षित करता हूँ, क्रियान्वयन करना, उसका पालन करना उनके ऊपर है। पर मैंने जैसे कहा, मेरी तो उनके सिंपति है कि कोई मंत्रिमंडल नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ को कोरोना वायरस, 45 हेल्थ विभाग के लोगों को, और आज ये हालात है। आप भास्कर से हैं, आप पूछिएगा अपने भोपाल ऑफिस से कि कितने मरीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है। 90% मरीज जो है वह अपने चिराई हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, 90% उनका सर्वाइवल रेट क्या है, और जो 10% बाकी अस्पताल है उनकी क्या हालत है? अगर सब प्राइवेट हॉस्पिटल में ही अपने कोरोना के पेशेंट्स जा रहे हैं तो ये कैसी व्यवस्था है? आज डॉक्टर नहीं पहुंच रहे, इंदौर में ये हालत है। आज हमारे जहां एम्स है, एम्स में पैरामेडिक काम कर रहे हैं, कोई डॉक्टर नहीं आ रहे। आप पता चलाइए अपने भोपाल ऑफिस से। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम संदीप फुकन फ्रॉम द हिंदू। संदीप, गो अहेड, अनम्यूट योर माइक, अनम्यूट योर माइक संदीप। या गो अहेड, आई हैव अनम्यूटेड। या सर, आई जस्ट वांट टू आस्क यू दैट this is a time when we've seen all political parties close ranks and you know, and putting up a united face, but I want to ask you directly, as the former chief minister of Madhya Pradesh, this has been, your state has been one of the worst managed states. Would you squarely place the blame on the BJP for having destabilized and thereby creating this situation that exists in Madhya Pradesh today? What more can I say? Look at the chronology of events. Here, by allurement, this was purely an allurement game. Let's not attribute it to all. In 3 charter planes, paid for by the BJP, these 19 people are taken to Karnataka, put under police, under police guard, are taken to Karnataka. 19 people submit their resignations, or 22, in the first phase, I think it was 18 or 19. Who brings the resignations to the speaker? Former BJP ministers and BJP leaders. It's not that their relations bring it. It's not that somebody else brings it. It's BJP leaders who give their resignations on camera to the speaker. What does that show? Then they are forced to resign, again by allurement. Do you think they've done it willingly? Where their whole life they have held the Congress flag, they've criticized the BJP. And they are the same ones who now sit in the cabinet. Some of them will sit in the cabinet with those who've been bitter opponents of them. And we say everything is hunky-dory, everything is running very well. This is the state of affairs. You can understand the morale of the bureaucracy when they have been witness to this. You can understand the morale of the people and the bureaucracy when they see this instability with 24 by-elections to take place and 22 are of these people. What will be the fate of this government? How will this government run? What is the motivation? In the end,
it is an atmosphere within the state, atmosphere within the bureaucracy, which becomes the motivating factor. But here we have a state, which I've repeated many times, the only state in the world in this crisis doesn't have a health minister, doesn't have a home minister, has no minister. This is the state of affairs in Madhya Pradesh. And because the number of cases are less, not because of any reason, because of testing. What testing have we done? I've got the total figures of the samples collected. And if we see the tests which are being done, just a few handful of tests. Just yesterday, about 800 tests have been done in Bhopal, 800 or 900 tests. And see the population of Bhopal. See the population of colonies, of clusters. So when we are not testing, we are thumping the tables and saying, our corona figure is only so much. Madhya Pradesh has the highest, among the corona positive people, has the highest death rate in the country. And this is completely as a result of a complete breakdown, a constitutional breakdown which was taken advantage of. You all know, every journalist knows what the law is, what the Supreme Court has held in the past, and how the 23rd night, 9 p.m., Shivraj Singh ji takes oath, and 24th, a lockdown is declared. What were they waiting for? So the next question is related to the same thing. Siddharth from ANI wants to ask. Siddharth, go ahead. Puche. Sir, I was going to ask you this. हिंदी में भी आप अगर आप इसका जवाब दे दें कि जिम्मेदार किसे मानते हैं आप, इंदौर जैसे शहर में जहां दो डॉक्टर्स की मौत हो गई कोरोना से, तो क्या आप मानते हैं? एक तो सीधे तौर पर यह बात दर्शाता है कि तैयारियां नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है. दूसरी बात, आपने एक बात बोली है जो पेशेंट्स हैं वो सरकारी अस्पतालों से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भरोसा कर रहे हैं. 90% प्राइवेट हॉस्पिटल में. तो आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? एक तो आप कह रहे हैं कि डिस्टेबलाइजेशन हुआ, ये रहा, जिम्मेदार इस वक्त किसको ठहराएंगे? उन अधिकारियों को, उस अधिकारी को जिसने खुद फाइल आगे बढ़ा दी और खुद कोरोना पॉजिटिव थी, या सीधे तौर पे आप सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं कि सरकार, क्योंकि अभी भी बात ये कही जा रही है, आपसे भी फोन पे बात करिए शिवराज सिंह चौहान जी ने, तो क्या अभी भी अगर वो खुद भी कोशिश कर रहे हैं तो क्या वो संभाल नहीं पा रहे हैं? देखिए, मैं ये मौका नहीं है, ये स्थिति, ऐसा माहौल नहीं है प्रदेश में या देश में हम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएं. जो आज फैक्चुअल पोजीशन है, जो आज स्थिति सबके सामने है, जो तस्वीर सबके सामने है, सब अपने आप इसका फैसला कर लें. मैं किसी पर जिम्मेदारी नहीं देना चाहता. मैं 15 महीने मुख्यमंत्री था, जिसमें से 2.5 महीने तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट और लोकसभा चुनाव में गए. 12.5 महीने में जो सुधार हो सकता था अस्पतालों में, मेरा प्रयास था. इन सारे 12 महीनों में मैं जानता था कि स्वास्थ्य बहुत बड़ा चैलेंज है. कौन सा चैलेंज नहीं था? शिक्षा विभाग एक बहुत बड़ा चैलेंज था. कोई इन्वेस्टमेंट नहीं प्रदेश में, बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र की समस्या, कौन सी चैलेंज नहीं थी? ये सब चुनौतियां हमारे सामने थी. पर यह समय नहीं है कि मैं किसी पर आरोप लगाऊं. मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, मेरा पूरा सहयोग रहेगा, हमारे पार्टी का पूरा सहयोग रहेगा राज्य सरकार के प्रति और केंद्र सरकार के प्रति, कि जो हमसे बन सके, जहां हमारा योगदान हो सके, हम सुझाव देने को तैयार हैं. अब पीपीई, दो डॉक्टरों की डेथ हुई, आपने कहा इंदौर में, कितने डॉक्टर हैं जो आज जान ही रहे कि उनके पास वो पर्सनल प्रोटेक्शन का सामान नहीं है. आज अटेंडेंस क्या है हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ये मैंने पता चलाया था. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या अटेंडेंस है आज? जैसे मैंने कहा, खास करके जो मध्य प्रदेश के पत्रकार हैं, उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि आज हम केवल शहरी क्षेत्रों में कर रहे हैं. आज ना मंत्री, ना नगर पालिका, ना नगर निगम, ये सब भंग है. तो आज चला कौन रहा है? आज ये प्रदेश चल कैसे, ये प्रश्न है, बुनियादी प्रश्न है. निगम सब भंग, नगर सब भंग, विधायक घर बैठे हैं, लॉकडाउन है, टेस्टिंग का इक्विपमेंट नहीं, ये हमारे हॉस्पिटलों में पता चला ले, एम्स पता चला लीजिए, कितने डॉक्टर कि उनके पास तो कपड़े, उनके पास वो मास्क,
मेरा सवाल इस से चुनाव और कांग्रेस के विधायक है को सिर्फ प्रदेश में चलेगा जो सिंधिया की ये बात होती है कि किसी और दूसरे इलाके सिंधिया के साथ कह देना कि उनके विधायक थे ये भी गलत हो कहता हूं ये और दो दिन पे हाउसकीपिंग के बात थे कर नहीं भी रहे तीन साल विधायक घर तो आज जब चौबीस नाम है इसमें से दो तो से कोई चुनाव है दो विधायक तो 22 है और दो नॉर्मल है तो इस 22 में आप कीजिए कि जब आपने क्षेत्र में जाए ये पब्लिक का सामना नेता है क्या हालात क्या पब्लिक को परिवर्तन हुआ है देश की राज्य कभी नहीं भूलनी है इतना परिवर्तन हुआ है कि कितना समझदार हो गया है जो भाजपा के जो इनका भविष्य अगर ये जीत गए तो उनका भविष्य तो चौपट तो वो क्या करेंगे कि ये एक आक्रमण हो गया पार्टी में ये आ गए इसमें से कुछ मंत्री भी बन गए हम बैठे रह गए भाजपा का झंडा लेते हुए और इनको हम जिताएं ये क्या नेचुरल बात है। धन्यवाद सर। अगला सवाल विजय लक्ष्मी का इंडिया टीवी से। विजय सवाल पूछिए। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि प्रधानमंत्री ने कल जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस किया था उसमें कहा था कि अभी स्ट्रैटेजी थोड़ा जो आया कि जान का भी केयर करना है और जहान का भी केयर करना है। मंडे से दफ्तर जो है खुल जाएंगे कुछ अधिकारी उनमें जाना शुरू कर देंगे। आपको लगता है कि ये सही पॉलिसी है जब रूथलेस कंटेनमेंट की हम बात कर रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं ऐसे में अगर दफ्तर खुलते हैं सोमवार से तो आपको लगता है कि ये सही एक कदम है आगे केंद्र सरकार का। देखिए इसमें कहना कि अगर ये खुलते हैं अभी तो इसकी कोई घोषणा ऐसे हुई नहीं कोई फॉर्मल घोषणा हुई नहीं है पर मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री ने सोच समझ के सबसे सलाह करके ये निर्णय किया होगा कैसे इस लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी जाए। उन्होंने ये सब सोचा होगा इन्फेक्शन के बारे में किस प्रकार की जब ऑफिस भी अगर उन्होंने अलाउ भी कर दिया ऑफिस जाने में तो किस प्रकार की सावधानी बरतनी पड़ेगी किस प्रकार से जाएंगे कहां इनका ऑफिस होगा कौन उन्हें मिलेंगे कौन नहीं मिलेंगे ये सब अभी तक इसकी घोषित नहीं हुए जब ये हो जाएंगे तब देखेंगे पर मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री को भी चिंता होगी इस बात की वो कोई ऐसा रेकलेस कदम तो उठाएंगे नहीं। अगला सवाल अनुराग जी का एबीएन 7 से। अनुराग ढांडा जी सवाल पूछे। कमलनाथ जी मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने फरवरी में आगाह कर दिया था जैसा आप लोग भी कहते हैं क्या आपकी सरकार ने कोई एडवांस प्लान कोरोना को लेकर के और जो फसल की कटाई होनी है उसको लेकर के कोई एडवांस प्लान तैयार किया था आपकी सरकार ने आपके इस्तीफा देने से पहले? हाँ बिल्कुल किया था मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस करी थी हर कलेक्टर से मैंने मार्च के पहले हफ्ते में करी थी अब मैं भूल गया कब कि कैसे हम इसकी क्या कदम हम उठा रहे हम तो शुरू करने वाले थे 25 मार्च से तब हमने कहा था हम 1 अप्रैल से शुरू करेंगे हमने तो सब बात ये तय कर ली थी पर अब कोरोना
कि जब घोषणा हो गई, असली बात है कि 12 मार्च को WHO ने जब इसे पेंडेमिक घोषित किया, उसके बाद मध्य प्रदेश में जो कदम मैं उठा सकता था 4 दिन में मैंने उठाए हैं। मैंने कहा हमने मॉल बंद कर दिए, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए, बाजार बंद कर दिए, तो ये तो पहला कदम था। मेरे पास तो 3-4 दिन ही थे। सर जो इक्विपमेंट की कमी की बात, लग लेट समवन इस एलकास नाउ वी कम बैक अगेन। सामिया फ्रॉम टाइम्स नाउ, सामिया प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। So I have to ask you a question. It is twofold. One is about the economic package that the government has announced so far. Do you think that is adequate given your acumen being a commerce minister in the past? Secondly, the police is also coming under a lot of attack with people going unruly trying to procure their basic essentials. I want to cite an example of what happened in Punjab where a policeman's hand was chopped off while people were trying to barge into mandis, breaking the police barricading. Do you think the government preparedness should be a lot better in place? See, economic packages are all very well. When we had the 2008 issue worldwide, we had an economic crisis in 2008. At that time, the Prime Minister used to sit down with us, with me and the Finance Minister, almost every evening. The question is not having a special package. The question is its execution. You can announce anything and everything. How do you execute it? The success of an economic package, good or bad, depends on its execution. So just now there's been an announcement stage, but the question is, where is our economic package focused? Is it focused in restarting economic activity? Now, no economic activity can start without within the lockdown. But economic package is for the past losses. So until economic activity can start post lockdown, there's very limited economic activity which can start during the lockdown. So the economic package covers the past losses, the past grief, and the past problems. It's to compensate them for that. But this is not a handout. I have not studied the economic package fully, but I'd only say, where is it focused? Which sections is it focused on? You got to temper that. You got to calibre that with restarting economic activity. So focus it on where you want to restart economic activity. That is the most important thing. Will it be in our small and medium sector? How will we deal with GST? How will the people pay GST? How will they get their money from GST? How will they pay the GST? What will happen to all the machines which were in factories, machines which were kept idle? पूर्व सीएम कमलनाथ किस तरह से शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं इस प्रेस वार्ता में, किस तरह से उन्होंने कहा है कि कोरोना से जो जंग लड़ने की तैयारी है मध्य प्रदेश में, कहीं ना कहीं सरकार की बड़ी गलती साबित होती नजर आ रही है। तो इस प्रेस वार्ता में अभी भी सवाल जवाब जारी है, तो सवाल जवाब हो रहे हैं। How will the wages be paid? From which money? How will the banks? Will the banks want to spoil their balance sheets? Saying EMI, defer. Let the government take over the loan, the bank will say. Which bank will want to kill its balance sheet? No bank management will want to kill its balance sheet. They will, after 3 months, 4 months, 5 months, quietly tell the government that please take over this loan or give us so much money if you want this EMI to be written off. How to be deferred or the interest to be deferred. So the question is, how will it be executed? The next question which has come to me directly and related is that states have been facing huge crunch of finances due to the lockdown. Opposition leaders have been alleging that the center was behaving in an autocratic manner in this situation and not yet announced any specific packages for the states. What is your view? It's absolutely correct. Forget the corona crisis just now. Just in the last budget, in Madhya Pradesh, they had reduced 14,000 crores. And now, I had taken this up with the Prime Minister, that 14,000 crores have been cut down from the state, in the state's allocation. How do we deal with this? I was struggling with the budget, which we had made, but we could not present. And it was a huge struggle with the budget. We had to chop off 14,000 crores. Now,
with this center's revenues being hit so hard, with GST collections falling, how the center will deal with this? I see a situation where India may have to go back to the IMF as we did in 1980. I remember when we took the IMF loan in 1980, I was in parliament at that time. And there were such conflicting views on IMF loan. So we may have to go back to the IMF, what we did in 1980. तो सुना आपने पूर्व सीएम कमलनाथ किस तरीके से शिवराज सरकार पर हावी होते नजर आए, किस तरह से उन्होंने शिवराज सरकार की कमी बताई, साथ ही साथ उन्होंने अपने कार्यकाल का भी विवरण दिया कि किस तरीके से उन्होंने अपने कार्यकाल के समय में ही स्कूलों को कोरोना से बचने के ऊपर लेकर उसको बंद कर दिया था। सभी स्कूलों को 12 मार्च से उन्होंने बंद करने के आदेश दे दिए थे, लेकिन जब उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद जिस तरीके से शिवराज सरकार के बारे में उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके का कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। इनफैक्ट जब देश का इतना बड़ा प्रदेश है तो स्वास्थ्य मंत्री तक इस प्रदेश में मौजूद नहीं है। तो इसी के साथ फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबीसी न्यूज़।